हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। पंच पल्लव किन वृक्षों से लिए जाते हैं और किन वृक्ष के पत्तों को बोला जाता है, आज हम इन पंच पल्लव के बारे में ही बात करेंगे, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजा में यूज किए जाते हैं और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। देखिए, आज मैं आपको इन पौधों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे आम के पौधे की, जिसका पूजा में बंधन बार बनाने के लिए और कलश स्थापना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप गमले में आराम से लगा सकते हैं और ये बहुत आराम से इजी टू केयर पौधा है। इसमें कोई स्पेशल आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर है बरगद का पौधा बेनियन ट्री, जिसे बट सावित्री की पूजा में भी यूज किया जाता है और ये भी हमारे कलश स्थापना में कलश के ऊपर लगाए जाते हैं। ये सैकड़ों सालों तक जीने वाला पौधा है और इसे कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती, आराम से ये गमले में ग्रोथ करता है। तीसरे नंबर पर आता है पीपल का पौधा, जिसकी पत्तियां देखने में बहुत सुंदर लगती हैं और इसकी पूजा को हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है इस पौधे को, और कई लोग शनिवार के दिन इसके नीचे दीपक भी जलाते हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं, ये आपकी पूजा की जो सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब चौथे नंबर पर आता है पिलखन का पौधा, इसको भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं और ये आसानी से होने वाला पौधा है। अगर आप इसे खुद उगाना ना चाहें तो आप इसे नर्सरी से भी खरीद सकते हैं, 20-30 रुपए में आपको कहीं भी ये पौधा मिल जाएगा। पांचवें नंबर पर आता है गूलर का पौधा, ये बहुत कम मिल पाता है इसलिए इसे लगाना भी बहुत ज़रूरी है और पंच पल्लव में ये यूज किया जाता है। जब भी हम नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं तो ये पंच पल्लव हमें ढूंढने पड़ते हैं। अब इन्हें आप अपने घर में लगाइए, अगर घर में जगह है तो ज़मीन में लगा दीजिए, नहीं तो गमले में तो आराम से लगा ही सकते हैं। तो आप पूजा के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और ये गमले में बहुत आसानी से हो जाते हैं, स्पेशल केयर की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और जो कार्बन गैस होती है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसे क्लीन करते हैं। और पीपल के बारे में तो आपको पता ही है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है और इनसे छोटे छोटे फल भी मिलते हैं जो चिड़ियाओं का और पक्षियों का पेट भरते हैं। तो इन्हें आप आराम से अपने घर में उगा सकते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़िए और इन पांचों पौधों को घर में ज़रूर लगाइए, ये किसी भी घर में बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए। ओके, थैंक यू। आप